हमने डिस्कस किया था कि दो सभी आश्रमों का एक ही पर्पस है, समसिद्धिर हरि तोषणम, एक ही पर्पस है कि भगवान हरि के संतुष्टि करना। बाद में हमने डिस्कस किया कि गृहस्थ आश्रम का एक्चुअल पर्पस क्या है, ड्यूटीज ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड की ड्यूटी क्या है, वाइफ की ड्यूटी क्या है, और हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी लिया था जिसमें कि साइकोलॉजी ऑफ पुरुष और स्त्री की साइकोलॉजी किस प्रकार से अलग है और किस प्रकार से हमको समझनी है वो साइकोलॉजी, और वो अगर समझेंगे नहीं तो किस प्रकार कंफ्यूजन हो सकता है मैरिड लाइफ में, उसके बारे में हमने बात की। और फिर आज हम स्पेसिफिकली अभी जो चीज, जो प्रैक्टिकल चीज जो हम गृहस्थ आश्रम में हमको करनी चाहिए, बहुत प्रकार की अलग अलग नीचे लिखा है कि इफ देयर इज अ टिप दैट इज, बहुत प्रकार के अगर सेमिनार्स भी होती है, बहुत प्रकार की बुक्स भी होती है, बहुत प्रकार के मेंटर्स, काउंसलर्स, कोचेस, मैरिज मैरिज गाइड्स, साइकोलॉजिस्ट, अलग अलग प्रकार की जो फैसिलिटीज है दुनिया में, जो कि पीपल, जो लोग उसकी इस्तेमाल करते हैं कि भाई मैरिज कैसे हमारा अच्छा बनाए। हाँ, तो ये फैसिलिटी है, इसकी फैसिलिटी अगर जरूर पड़े तो उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। पर हमारा मेन पॉइंट है कि फर्स्ट पॉइंट बताया कि अगर फर्स्ट और ओवरराइडिंग प्रिंसिपल, कि सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है मैरिड लाइफ में, कि अगर यू नो हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक अनरिलेंटिंग, दैट मींस उतनी ठोस डिजायर ना हो कि हम एक दूसरे के साथ, हमको ये मैरिज को कामयाब करना ही है कृष्ण को केंद्र में रख के, अगर ये स्ट्रॉन्ग डिजायर ना हो तो उसके, अब हम उसको एक्चुअली पॉजिटिव में लगाएंगे कि ये स्ट्रॉन्ग डिजायर होने के बाद बाकी सब चीज एक एक यू नो सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा। काउंसलर का सपोर्ट होता है, मेंटर का सपोर्ट होता है, कोई बुक्स पढ़े, कोई सेमिनार अटेंड की तो हमको ज्यादा हेल्प करेगा। बट अगर ये डिजायर नहीं है भी, हमको ये मैरिज वर्क करना ही है, क्योंकि अगर प्रोपा के मिशन में है और हम अगर हमको कोऑपरेटिव की तरह से रहना है, प्रोपा ने बताया कि यू कैन शो योर लव फॉर मी ऑन हाउ यू कोऑपरेट। प्रोपा ने कहा कि लास्ट इंस्ट्रक्शन था उनका कि अगर आपको मुझे आपका प्रेम दिखाना है तो आप कैसे एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिवली बिहेव करें, उससे आप आपका प्रेम दिखा पाएंगे। तो अगर दुनिया की बात तो छोड़ो, अगर फैमिली में ही हम कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे, और आप एक समझिए कोऑपरेशन का पॉइंट कब आता है, जब भी कोई कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ही नहीं तो कोऑपरेशन का सवाल ही नहीं है, हम एक सरकार का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे सेम ही चीज सोच रहे हैं तो उसमें कोऑपरेट करने का सवाल ही नहीं, क्योंकि दोनों चीज, दोनों लोग को वही चीज करनी है। पर कोऑपरेशन का कब सवाल आता है, जब भी वाइफ को कुछ अलग करना है, हस्बैंड को कोई अलग करना है, उनका उनका थॉट प्रोसेस कुछ अलग है, वाइफ का थॉट प्रोसेस कुछ अलग है, तभी कोऑपरेशन आता है। कि तभी हम एक दूसरे का डिस्कस करके हम डिसाइड करें कि चलो भी ये आपको ऐसा करना है, हमको ऐसा करना है, कैसे हम एक मिडिल पाथ फॉलो करें, बराबर है। तो ये कोऑपरेशन की बात इंपॉर्टेंट है। और अगर हस्बैंड वाइफ को ये स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं है, अनरिलेंटिंग दैट मीन्स ठोस स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं है कि हमको ये मैरिज को काम कराना ही है, कैसे, कृष्ण को केंद्र में रख के, कृष्ण का जो 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 गोंद है हमारे बीच में, जो जो ग्लू है, ग्लू फेविकॉल, जो गोंद है, वो गोंद क्या है, कृष्णा। तो कृष्ण का गोंद साथ में है तो भी कोई भी चीज साथ में रह सकती है, और अगर कृष्ण का गोंद नहीं है तो अगर हम साथ में भी है तो रहने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा केंद्र में नहीं है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अलग अलग सेमिनार्स, हम तो हम कई बार कहते हैं कि भी हमारे हमारे पिताजी और आपके पिताजी और आपके पिताजी के पिताजी बहुत सारे यू नो 50-60 साल साथ में रहे मैरिज में, बट एक सेमिनार उन्होंने अटेंड नहीं की होगी। बोले कि ये सेमिनार थोड़ी अटेंड करने की होती है, ये बहुत बार पूछते हैं सब इन बुजुर्ग लोग, ये क्या है पेरेंटिंग सेमिनार, ये क्या है मैरिज सेमिनार, ये क्या कुछ नया नया आप निकालते हो, जरूरी है, उन्होंने कभी अटेंड नहीं की थी, तभी उनका मैरिज फर्स्ट क्लास हो रहा था। क्यों, उनमें अनरिलेंटिंग डिजायर था कि भाई जो भी हो वापस जाना ही नहीं है। एक एग्जाम्पल बताएगी कि किशोरी, महात्मा गांधी जी की, प्रभुपाद बताते हैं एग्जाम्पल कि एक्चुअली घर के बाहर चले जाते थे और घर का दरवाजा बंद कर देते थे महात्मा गांधी, और कई बार घंटों तक वो घर के बाहर ही बैठे रहते थे। ऐसा नहीं था कि अभी मुझे घर से निकाल दिया तो मैं चली जाऊंगी, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। फिर वापस जब वो शांत हो जाते थे, दरवाजा खोलते थे और उनको वापस अंदर लिए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि पति पत्नी के बीच में कुछ अनबन नहीं हो, ऐसा कोई भी कपल नहीं है कि जिनको जिनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। लेकिन एक
बहुत जरूरी चीज है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जब हमारा विवाह हुआ था तो हमारे गुरु महाराज ने बताया था कि 1+1=11 होना चाहिए, एक टीम होनी चाहिए, पूरी क्रिकेट टीम। 11 की जो क्रिकेट टीम होती है उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ एक कपल के थ्रू आनी चाहिए। और वो कब आएगी? जब वो एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को दूसरे में अच्छे गुण देखेंगे। दूसरों में खराब गुण देखना बहुत ईजी है, लेकिन अगर हम किसी में अच्छे गुण देखते हैं और वो अच्छे गुण के बारे में हम अप्रिशिएट करते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो रिलेशनशिप और अच्छा बन जाता है। दूसरा चीज है कि मैं यहाँ 4C के बारे में बात करती हूँ। फर्स्ट सी है कॉम्प्लीमेंट, अप्रिशिएट। जब भी आप आपके पति पत्नी में या तो बच्चे में, कभी कभी वो लोग पेरेंट्स भी होंगे, जब भी आप कुछ अच्छी चीज देखें तो मुझे वर्बली अप्रिशिएट कीजिए। क्योंकि जब अप्रिशिएट करते हैं तब आप क्या करते हैं, इमोशनल बैंक बैलेंस होता है, एक हमारे बैंक में बैलेंस होता है पैसों का, और दूसरा हमारा इमोशनल बैंक बैलेंस होता है कि जिसमें हम एक दूसरे के प्रति डिपॉजिट करते हैं। जब आप आपके पति को अप्रिशिएट करते हैं तो उनके इमोशनल बैंक बैलेंस में आपने डिपॉजिट डाल दी, फिर जब भी आपको विड्रॉ करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ विड्रॉ ही करते जाएंगे और बैंक बैलेंस में कुछ डालेंगे नहीं, जमा नहीं करेंगे, तो कैसे विड्रॉ कर सकते। सबसे पहला है सी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा सी भी है कॉम्प्लीमेंट माने पूरक। कई बार ऐसा होता है कि पति में कुछ कमियां हैं, वो पत्नी में है उसमें वही खूबी है, और पत्नी में कुछ कमियां हैं वो पति वो खूबी है। जैसे कि हम देखते हैं ना जॉइंट, अपने शरीर में कुछ जॉइंट है जैसे ऐसे, जैसे फीमर जो है पैर की जो हड्डी है उसका वो ऐसा हेड होता है, और जो हिप बोन होता है उसमें वो मिल जाता है, और उसी तरह पूरा रोटेट हो सकता है, पूरा घूम सकता है। इवन जो शोल्डर है, शोल्डर का भी जो जॉइंट है वो ऐसे पूरा रोटेट हो सकता है, जैसे पूरक हो गया। ये पति है और पत्नी है तो एक दूसरे में ऐसे मिल रहे कि ये इसकी कमियां हैं वो इसमें आ गई, और ये पूरी कर सकते हैं, इसमें आगे नहीं सॉरी ये पूरे कर सकते हैं। तो जैसे एक दूसरे के शैडो के समान है, तो शैडो दिखता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अभी हमको अगर आपके पति में कुछ कमियां हैं और आप उसको पूरी कर रहे हैं तो आप बार बार उसके बारे में बताते रहे। शैडो कभी आपको बताता नहीं कि मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ। लेकिन शैडो ऑटोमेटिक हमारी जो परछाई जो है वो हमेशा हमारे साथ रहती है, हमको पता भी नहीं चलता है। इसी प्रकार पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक होना चाहिए कि कुछ गलती है, कुछ कमी है तो हमें उसे पूरी करनी चाहिए। हो गया दूसरा ये पूरक पे एक इम्पोर्टेंट थी कि कोई भी पति या पत्नी कोई ज्यादा ग्रेट नहीं है और कोई ज्यादा कम नहीं है। कई बार हम समझते हैं कि भाई अगर इसने मेरा काम मैं जो कर रहा हूँ उससे ज्यादा अच्छा काम किया तो ये आप इंटरनल लगता है कि ये कॉम्पिटिशन है, या पत्नी को लगता है कि हस्बैंड मेरे से ज्यादा कर रहा है। ये कंपटीशन की भावना कैसे पॉसिबल है मैरिज में? कोई एक टीम है, टीम, हम टीम में काम करेंगे। अगर हम सोचेंगे कि हम टीम में काम कर रहे हैं तो इसमें कोई कंपटीशन की बात ही नहीं है। हम पूरक है, पूरक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हम कैसे एक दूसरे को हम समझे कि भाई व्हाट आई एम नॉट गुड एट, इफ यू आर गुड एट इट तो आप करिए, तो दोनों टीम में साथ में मिलकर ये करना है। तो ये कॉम्पिटिशन की भावना मैरिड लाइफ में मौजूद होनी ही चाहिए। इट कैन बी अ बिग बिग प्रॉब्लम। जैसे मैंने बताया परछाई, सुबह के समय में परछाई कैसी होती है, हमेशा पीछे चलती, हमारे पीछे होती है। कि जब प्रॉस्पेरिटी, धन समृद्धि, अच्छे समय है तो हमें कैसी परछाई बनना चाहिए कि हम सुख में साथ में हैं। दोपहर का टाइम कैसा होता है, जब बहुत कड़ी धूप होती है तो कड़ी धूप का समय है चैलेंजिंग, तो चैलेंज के समय धूप में कैसी होती है परछाई, हमारे पैरों के नीचे होती है। चैलेंजिंग टाइम में हमें ऐसी बनना चाहिए कि हम जो हमारे पार्टनर हैं उनके पैरों में जो धूप आ रही है, जो जलन हो रही है, उसके बदले उन्हें हम ठंडक प्रदान करते हैं, ऐसा शैडो बनना चाहिए। और शाम का समय, संध्या का समय, हाँ, कि जब गरीबी है या तो और डिफिकल्टी है तो शैडो हमारे आगे रहता है, परछाई हमारे आगे रहती है, और जो भी डिफिकल्टी आती है वो खुद पर ले लेती है। तो ऐसा एक दूसरा पूरक का एंड है। तीसरा एग्जाम्पल है केयरिंग, सी फॉर केयरिंग। फर्स्ट वॉज कॉम्प्लीमेंट अप्रिशिएट, दूसरा भी कॉम्प्लीमेंट पूरक, तीसरा हो गया केयरिंग। हमें क्या करना चाहिए कि जिस प्रकार से हम एक दूसरे का केयर करेंगे उतना हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। जब भी हम किसी की केयर करते हैं तो वो क्लोजनेस बढ़ाता है, राइट? अगर आप
अगर मैं पतियों को बताऊंगी, अगर आप पत्नी बीमार है, उसके हाथ में गरम ग्लास का पानी दे दिया या तो उसके साथ में बैठ के उसका कभी सर दबा दिया, देखिए वो उसके हृदय में आपके प्रति भावना इतनी बढ़ जाती है। सिमिलरली अगर पत्नी भी अगर पति की केयर करती है अच्छी तरह से, जब वो बाहर जाते हैं उनके लिए अच्छा प्रसाद बनाती है, उनको अच्छी तरह से ध्यान रखती है, हर एक चीज की बिना बोले जब कोई हमारा ध्यान रखता है, जब वो केयर करता है, तो का जो संबंध है पति पत्नी का वो बहुत घनिष्ठ हो जाता है। और ये घनिष्ठ संबंध जब भी डिफिकल्टी आती है उस समय बहुत काम में आ जाता है। जब हम केयर करते हैं वो भी इमोशनल बैंक बैलेंस में जमा हो जाता है, बोलना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली जमा हो जाता है। और लास्ट सी है करेक्शन। कभी जरूरत पड़े तो अपमानित रहते से नहीं, लेकिन अच्छी तरह से हम करेक्शन कर सके। तो ये चार सी अगर हमारे जीवन में याद रखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट, अप्रिशिएट, पूरक बनना, केयरिंग बनना, और जब भी जरूरत पड़े तभी करेक्ट करना। और करेक्शन का मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बेहतर हूँ। और पति को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए, पत्नी को भी नहीं ऐसा लगना चाहिए कि जब करेक्शन करते हैं तब हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। तो ये चार सी अगर हम याद रखेंगे विथ द डिजायर कि नहीं कैसे भी करके हमें ये जीवन में साथ में रहना ही है। अप्रिसिएशन एक ऐसा टॉनिक है जो कि गृहस्थ आश्रम में एंथुसियाज्म पैदा करता है, जो कि गृहस्थ आश्रम में ऊर्जा प्रदान करता है। गृहस्थ आश्रम में ऊर्जा चाहिए ना, तो ये अप्रिसिएशन ऐसा टॉनिक है। आप हम एक्चुअली सेमिनार में पूछते हैं सबको कि भी आपको अप्रिशिएट करते कैसा लगता है आप, और लास्ट आपने कब अप्रिशिएट किया था अपने हस्बैंड या वाइफ को, तो ये पूछने की अभी डिफिकल्टी है। पर आप देखिए कि अगर आपने अपनी पत्नी या आपके अगर पत्नी ने पति को अप्रिशिएट किया, हाँ कई बार क्या होता है कि हम दुनिया भर में अप्रिशिएट करते हैं। हाँ कोई मंदिर में आपने अपने लिए कुछ छोटा भी कोई चीज किया, अरे प्रभु जी आप तो कितने अच्छे हैं, आप बहुत धन्यवाद, आप बहुत ही आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया। हा? तो ये हम करते क्योंकि ये वैष्णव आचार है, ये वैष्णव का नेचर है, उसको अप्रिशिएट करना नेचुरल है। पर हम कई बार देखते हैं कि घर में आने के बाद हम अप्रिसिएशन में बहुत कंजूस हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि भाई हम अप्रिशिएट क्यों करें, क्योंकि ये तो उसकी ड्यूटी है। हाँ वाइफ सोचती है हस्बैंड को क्यों अप्रिशिएट करें, ये तो उसकी ड्यूटी, उसने कुछ खरीदा मेरे लिए तो क्या हो गया, वो तो उसकी ड्यूटी है। हाँ हस्बैंड बोलता है कि वो खाना अच्छा बनाया तो क्या हो गया, वो तो उसकी ड्यूटी है। देखो प्रभु जी अप्रिशिएट करने में क्या नुकसान होता है, हाँ क्या कुछ आप घुमाते हो क्या, क्या आपका अहम को ठेस पहुंचती है क्या? क्यों ना हम प्रोफ्यूजली गृहस्थ आश्रम में अप्रिशिएट करें बट फ्लैटरी ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ कई बार हम करते अप्रिशिएट करते हैं और साथ साथ इतना ज्यादा ही अप्रिशिएट करते हैं अननेचुरल हो जाता है, उसको फ्लैटरी बोलते हैं। फ्लैटरी का मतलब चापलूसी, फ्लैटरी चापलूसी। तो ये चापलूसी की जगह नहीं है गृहस्थ आश्रम में, पर नेचुरल अप्रिसिएशन। अगर बीवी ने अच्छी दाल बनाई, कल भी अच्छी बनाई थी पर आज भी बनाई, तो प्रॉब्लम क्या है? खाना में बैठने के बोले अरे आज दाल बहुत बढ़िया बनी है, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा दाल लगी। पर अगर दाल में नमक कम है तो तुरंत हम बोला देंगे अरे आज दाल में नमक क्यों कम है, उल्टा होना चाहिए। हमारे घर में ऐसा था, मेरे पिताजी, मैं बताऊंगी कि मैं बहुत ही आभारी हूँ मेरे दोनों सास ससुर से कि उन्होंने उनके दोनों बेटों को इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया है कि कई बार जब मैं खाना बनाती थी तो कुछ भी बनाया, खिचड़ी भी बनाया, हाँ तो सब लोग इतना अप्रिशिएट करते थे, और जब मैं खाना खाने को बैठती तब मुझे लगता था अरे इसमें तो नमक कम है, ये नहीं बराबर है। लेकिन वो लोग के मुंह से कभी भी ये नहीं निकलेगा कि इस खाना बराबर नहीं बनाया। और दूसरी उनकी हैबिट थी, मेरे ससुर जी ने हैबिट डाली थी कि जब भी कई बार उनका एक बार सर्जरी हुआ था, दूसरी बार बीमार हुए थे, तो हम उनकी सेवा करते थे नेचुरली एज अ डॉटर इन लॉ, तो मेक श्योर करते थे कि उसके बाद वो मुझे, मेरी जेठानी और मेरे सास तीनों को एक स्पेशल गिफ्ट देते थे, सेम गिफ्ट। अगर पर्स दिया तो तीनों को पर्स देंगे, या तो साड़ी दिया तो तीनों को साड़ी देते थे। लेकिन ये कल्चर था घर में, कुछ भी किया तो उसको उसके बदले में कोई डिमांड नहीं करता था, लेकिन नेचुरली वो देते थे। हाँ और उस समय जब वो देते थे ना तब वो चीज मायना नहीं रखती है, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने अप्रिशिएट किया, हाँ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अप्रिसिएशन है वो बहुत जरूरी है। तो इससे हम चार चीज दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं कि हम दिखाते हैं कि
हम समझते हैं कि मेरे मेरे पति या पत्नी जो है, मैं आप में कुछ अच्छा देख रहा हूँ, दूसरा आपकी मेरे जीवन में बहुत बड़ी कीमत है, आई रियली वैल्यू यू, तीसरा कि मुझे आपके साथ हर एक अवस्था में खुश रहना है। इसीलिए जब अप्रिशिएशन होता है तो दोनों को खुशी होती है, जो अप्रिशिएट करता है उसे भी खुशी होती है और जो जिसको अप्रिशिएट करते उसको डेफिनेटली अच्छा लगता है। हाँ, तो क्या है, एक तो हम उनकी उनको बताते हैं कि आपकी मेरे जीवन में बहुत वैल्यू है, आप मुझे बहुत, आपका ये जो गुण है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हम साथ में खुशी प्राप्त करना चाहते हैं, और चौथा साथ में रहकर सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, नेचुरली क्या होता है, जिसको आप अप्रिशिएशन करते हैं वह व्यक्ति तुरंत ही वो चीज करने के लिए और प्रेरित हो जाता है, हाँ वो चीज वापस करना चाहता है। अगर हम किसी को, किसी ने कुछ अच्छा किया और उसको बताया कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया, तो नेचुरली वो व्यक्ति क्या चाहते हैं कि वो चीज बार बार दोहराए। तो अप्रिशिएशन में चार चीज होती है और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या चार होती है? उनकी जो अच्छा है उसके बारे में हम देखते हैं हमेशा, अप्रिशिएशन करने के लिए आपको हमेशा दूसरों का अच्छा देखने के लिए अपनी आंखें खुली रखनी पड़ती है। दूसरा, उससे बताते हैं आप कि आपकी बहुत मुझे वैल्यू है। तीसरा, दोनों खुश होते हैं। और चौथी चीज है कि उससे सेवा भावना जो है वो बढ़ती है। और कई बार हम क्या कहते हैं, हमारे खास ही इंडियन परिवार में देखते हैं कि भाई नहीं नहीं अप्रिशिएशन है, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ बीबी को, बट हृदय में अंदर से बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। तो आप सोचिए, अगर आपका बर्थडे है, आपके बच्चों ने अच्छी गिफ्ट दी, उसको अच्छा रैपिंग किया, वो अच्छा कार्ड लगाया, पर आपको दिया ही नहीं और आपको क्या लगेगा? उसी तरह अ गुड फीलिंग इन योर हार्ट, हृदय में अच्छी फीलिंग होना, पर उसको वर्ड्स द्वारा व्यक्त नहीं करना, इट इज लाइक अ प्रॉपरली रैप्ड गिफ्ट, अच्छी गिफ्ट पैक की है पर उसको दी ही नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो प्लीज, मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है, पर अलग अलग जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये हाउ टू मेक इट स्मूथ, कि भी आपके परिवार में हो सके उतना अप्रिशिएट करो, फ्लैटरी नहीं बोल रहा हूँ मैं, अप्रिशिएट करो, उससे पूरा परिवार में पॉजिटिविटी आ जाएगा, पूरा पूरा पूरे घर में पॉजिटिविटी का माहौल बन जाएगा और फिर एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे तो उससे कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नथिंग बट अप्रिशिएटिंग ईच अदर। वो बात कहते हैं लेटर में, वॉट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस? कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अबाउट अप्रिशिएटिंग ईच अदर्स डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद का लेटर है ये, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं कोट कर पा रहा हूँ, बट प्रभुपाद लिखते क्लियरली कि व्हाट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, द बिजनेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज टू अप्रिशिएट ईच अदर। ये हमारा धंधा है, ये हमारा ड्यूटी है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, टू अप्रिशिएट ईच अदर। दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे पर घर पे क्यों नहीं? चैरिटी बिगिंस एट होम, अप्रिसिएशन बिगिंस एट होम, लेट अस प्रोफ्यूसली अप्रिशिएट। तो एक हम एक रेजोल्यूशन ले सकते हैं, अगर हमको रिश्ता अच्छा बनाना है, प्रोफ्यूस अप्रिसिएशन टू ईच अदर, बच्चों के में, पत्नी में, पति में। ये एक पॉइंट हो गया। तो इनकम्पैटिबिलिटी की बात है, जो अगर हम कई बार समझते हैं कि भाई हमारे मैरिज में इनकम्पैटिबिलिटी है, तो मैरिज का मतलब क्या है? इनकम्पैटिबिलिटी मैरिज का मतलब क्या है? मैरिज का मतलब है चेंजिंग टू एक्सेप्ट चेंज। उसका मतलब क्या है कि भाई जो भी, क्योंकि मैरिज के पहले हमारी जीवन जो है और मैरिज के बाद हमारा जीवन है वो चेंज होने ही वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि मेरा जो जीवन था बैचलर लाइफ में वैसा ही रहने वाला, ऐसा नहीं होने वाला है। मैरिज इज अ बिग चेंज, तो मैरिज में वो चेंज को एक्सेप्ट करना, जितना हम वो चेंज जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, जितना हम वो चेंज हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे, उतना ही हमको कम तकलीफ होगी। जितना हम उसको रेजिस्टेंस देंगे, जितना हम उसको चेंज को रेजिस्टेंस देंगे, उतना ही मैरिज डिफिकल्ट होता जाएगा। आप समझ रहे हो ना, ये जितना रेजिस्टेंस, तो जहां भी मैरिजेस में रेजिस्टेंस है चेंज के बारे में, कि पत्नी रेजिस्ट कर रही है कि मैं चेंज नहीं करूंगी, पति रेजिस्ट कर रहा है कि मैं चेंज नहीं करूंगा, जितना रेजिस्टेंस है उतना फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन से स्पार्क्स हो गए, स्पार्क्स से फायर हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि एक कपल हमारे पास आया था आज से करीबन 23-24 साल पहले,
तो प्रभु जी जो भक्त थे बहुत हाईली एजुकेटेड थे, लेकिन उनके माता पिता ने जब वो छोटे थे तभी उनका विवाह किसी के साथ कर दिया था, तो अभी फिक्स कर दिया था तो उनका विवाह हो गया। तो पत्नी पहले तो भक्त नहीं थी, लेकिन वो स्वीकारने के लिए तैयार हो गई। लेकिन पत्नी इतनी एजुकेटेड भी नहीं थी, तो वो चाहती थी कि, और वो अपने आप को बदलना भी नहीं चाहती थी, बदलना कृष्ण कॉन्शियस वहां पर नॉर्मल भी, वो जैसी थी उसको विवाह के बाद भी ऐसा ही रहना था। उसका मतलब उसकी आदत थी कि विवाह के पहले वो अकेले ही प्रसाद खाएगी, किसी और के साथ बैठेगी नहीं, किसी और के साथ उसे बात करना अच्छा नहीं लगता था, कभी किसी को अच्छी तरह से बाहर घुमाने को लेके गए तो भी उसका चेहरा हमें उसको अच्छा ही नहीं लगता था ये सब चीजें, क्योंकि उसको शायद उसका नीचे स्वभाव ऐसा था। तो शुरू शुरू में उसने इतना दोनों की अनबन हो गई कि न तो उसको पति के साथ में प्रसाद लेना था, न तो पति के साथ में कुछ करना था, और घर में टीवी नहीं था तो कभी कोई बाजू वाले के घर में जाके टीवी देखते रहते थे, बहुत तकलीफ हो गई। और वो उनका उनकी पढ़ाई भी इतनी नहीं हुई थी, और इतने क्या बोले कि इतने पैसे वाले घर में से भी नहीं थे, वो बहुत ऑर्डिनरी फैमिली से थी। लेकिन जो पति था वो बहुत ही एजुकेटेड था, अच्छा भक्त था, दिखने में भी अच्छा था, और दोनों के बीच में इतना प्रॉब्लम हो गया। और जब मेरे पास आया तो मैं उसको समझा रही थी, तो मुझे बोली लेकिन मुझे बदली नहीं होना है, मैं जैसी हूँ मैं ऐसे में बदली नहीं हो सकती। फिर मुझे एक्चुअली जब मैं उनके साथ बहुत डिस्कशन कर रही तब मैंने उसको समझाया कि देखो अगर आज तुम बदली होना नहीं चाहोगे तो क्या होगा, आप 6 महीना 1 साल के बाद दोनों सोचेंगे कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, अलग हो जाएंगे। ये आपके लिए बहुत इजी है, आप अलग हो जाएंगे, आप वापस अपने मम्मी के घर पे चले जाएंगे। और मैंने बताया ये लड़के को तो दूसरी लड़की मिल जाएगी, लेकिन आपको नहीं मिलेगा कोई, और मिलेगा तभी भी अगर आप अपने आप को चेंज नहीं कर पाए कि नहीं मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ चीजें जो होती हैं मुझे नहीं अच्छी लगती फिर भी करना पड़ता है। कई बार प्रभु जी का ऐसा होता है कि शादी के पहले विवाह के पहले वो कभी भी उनको कुछ चीजें कभी की नहीं है, और उनके माँ बाप ने भी उनको कुछ बताया नहीं, तो उनको अच्छा ही नहीं लगता है बातें करना। बहुत बार देखा है कई पति लोग जो हैं वो अपना काम करते रहते, कंप्यूटर के सामने बैठेंगे फिर कुछ अपना डिवोशनल सर्विस करेंगे, लेकिन पत्नी घर में है उसके साथ बात करनी चाहिए। आप सोचिए जब पत्नी विवाह करके आती है तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके लिए सब कुछ बदली हो जाता है, आपके लिए सिर्फ कोई आपके घर में एक एडिशनल मेंबर आया, लेकिन उसके लिए उसके बाथरूम से लेके उसका बेडरूम से लेके जिस प्रकार से वो खाना खाती है, जिस प्रकार से वो व्यवहार करती है, आजू बाजू के लोगों के साथ जो रहती है, सब कुछ चेंज हो जाता है। एक बार किसी एक ब्रह्मचारी ने मुझे बताया कि शास्त्र बताते हैं कि स्त्री जो है वो बहुत साहसी है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब बराबर है ना प्रभु जी, क्योंकि वो साहसी है इसीलिए वो पति के घर जाती है, पति पत्नी के घर पे नहीं आता है, क्योंकि साहसी है वो, रेडी है वो चैलेंज लेने के लिए कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं सब बदली करने के लिए तैयार हूँ। तो ये चेंज जो है हमारे जीवन में विवाह के बाद आता है, उसके लिए जो अविवाहित लोग सुन रहे हैं आपको भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि जब विवाह होता है तब में बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती है, जो नहीं करते उसे करने के लिए सीखना चाहिए, एडजस्ट होने के लिए तैयार रहना चाहिए। सेकंड पॉइंट है मैरिज का मतलब क्या है, इट्स सेटलिंग डिफरेंसेस एंड लिविंग विद डिफरेंसेस दैट कैन नेवर बी सेटल्ड। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरिज का मतलब क्या है कि जो भी हो सके उतना डिफरेंसेस को सेटल करना है डिस्कशन करके। आगे हम बताएंगे अलग अलग तरीके से जिसको कैसे हम डिफरेंस सेटल करेंगे, और ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस है आप समझिए जिसका कोई सेटलमेंट नहीं हो सकता है। एक इंग्लिश फ्रेज है, थिंग्स दैट कैन नॉट बी क्योर्ड शुड बी एंड्योर्ड। ऐसा नहीं है कि सभी चीज का सोल्यूशन हमारे पास कि अभी अगर ये डिफरेंस है तो इसका सोल्यूशन है। बहुत टाइम है ना, हमको टाइम देना पड़ता है कोई चीज को चेंज होने के लिए, हमको पेशेंस रखनी पड़ती है। तो मैरिज में ऐसा नहीं है कि सब जो डिफरेंस उसको सेटल कर पाएंगे, उसको नेगोशिएट कर पाएंगे, उसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें जो सेटल हो ही नहीं है तो उससे साथ रहना, उसको सहन करना, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। ये मैरिज का एक इम्पोर्टेंट है। ऐसे बताते हैं कि डिफरेंसेस या तो प्रॉब्लम जो विवाह में आते हैं, मैरिड कपल्स में आते हैं, उसमें 4 पॉइंट्स याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कि हर एक कपल के बीच में डिफरेंस होता है। आज तक इस संसार में ऐसा कोई भी कपल नहीं है कि जिनके बीच में डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। हर एक कपल में प्रॉब्लम होता है। दूसरा, वो प्रॉब्लम या तो वो डिफरेंस का सोल्यूशन कब आएगा, जबकि आप एक एक देवासुर के संग्राम के जैसे झगड़ेंगे।
या तो एकदम ऑपोजिट होके एक दूसरे से फाइटिंग करेंगे तभी उसका सोल्यूशन आएगा, तभी आप वो डिफरेंस को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं। उस डिफरेंस और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप दोनों को एक टीम में रहकर रहना पड़ेगा, आप दोनों एक टीम में और वो डिफरेंसेस सामने, तभी उसका सोल्यूशन मिलेगा। तीसरा है, सारे डिफरेंस या तो सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमेशा नहीं होता है। कई कई बार हम अलग अलग फैमिली से आते हैं, हमारी विचारधाराएं अलग होती है और हर एक चीज को हम चेंज नहीं कर सकते। आप आपकी पत्नी जिस प्रकार से सोचती है उसे हमेशा चेंज नहीं कर सकते और आपके पति जिस प्रकार से बातें करते हैं उसे हमेशा चेंज नहीं कर सकते। तो नॉट ऑल डिफरेंसेस कैन बी रिजॉल्व, दैट इज द थर्ड थिंग। और चौथा है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए और डिफरेंस आए तो कई बार हमने देखा है कि हम उसका सोल्यूशन बहुत फास्ट करने की कोशिश करते हैं, हाँ चलो चलो जल्दी जल्दी फिक्स कर दें, लेकिन हमेशा जब हम घाई में उसको फिक्स करते हैं तो या तो टाइम प्रेशर की वजह से करते हैं कि बहुत अभी ये करना ही पड़ेगा, इसके लिए टाइम प्रेशर की वजह से करते हैं, या तो फिर हम उसे एक बहुत बड़ा विवाद हो गया अभी इसको कैसे भी हमको पी जाएंगे ऐसे करके रह जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए टाइम देना पड़ता है, क्योंकि प्रॉब्लम ऊपर से एक दिखता है लेकिन उसके नीचे बहुत गहराई होती है। हाँ, प्रॉब्लम व्यक्त होता है एक रीत से लेकिन उसके नीचे बहुत कुछ होता है। तो ये चार चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए। और इंडिफरेंसेस किसकी वजह से आते हैं, कभी पैसे की वजह से आते हैं, कभी हमारे जो झगड़े होते हैं या तो प्रॉब्लम होते हैं वो जेलसी की वजह से होते हैं, हाँ कभी इनलॉज की वजह से होते हैं, कभी हम एक दूसरे के साथ समय नहीं दे सकते इसके लिए हो सकते हैं, कई बार हमारे जीवन में हमने रिक्रिएशन माने आनंद प्राप्त करना, कभी वेकेशन पे जाना, ऐसी चीज को स्थान ही नहीं दिया है तभी हो सकती है, कभी कम्युनिकेशन हम सोचते हैं कि मैंने बता दिया लेकिन हमने नहीं बताया और अच्छी तरह से बताया नहीं और बताया तो सामने वाले ने सुना नहीं है उसकी वजह से हो सकती है, कभी करियर की वजह से, यंग कपल में दोनों को करियर चाहिए एक को नहीं चाहिए उसकी वजह से हो सकता है, कभी चाइल्ड प्रॉब्लम बच्चों की वजह से, पेरेंटिंग टेक्निक अलग होती है, माँ बोलती है ऐसी तरह से होना चाहिए, पिताजी बोलते हैं ऐसे होना चाहिए, इसके लिए डिफरेंसेस हो सकता है, या तो कभी घर के काम की वजह से हो सकता है सिंपल। हाँ, तो बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं लेकिन ये डिफरेंस को सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमने पहले बताया कि ये सारी चीजें बहुत छोटी है, उसके बड़ा चीज क्या है कि हम दोनों साथ में टीम में रह के प्रभुपाद के मूवमेंट में हमें साथ में सेवा करनी है, तो उसके लिए सारे प्रॉब्लम को हमें कैसे भी करके सुलझाना है। राधानाथ महाराज एक बताते हैं, हम बताया था हमको बहुत बढ़िया आंसर था कि डू नॉट टेक द डिफरेंसेस बिटवीन हस्बैंड वाइफ सीरियसली, इट इज नॉट वर्थ इट। हमारे हमारे सामने गृहस्थ आश्रम का एक बहुत बड़ा पिक्चर होना चाहिए, बहुत बड़ा, कि हमको बोलते ना 11, एक 1+1=11, तो इतना काम करना, इतनी सेवा करनी, इतना प्रचार करना, इतना शुद्धिकरण करना है अपने आप का और देश और दुनिया का, और ये बड़े पिक्चर के सामने हमारे जो डिफरेंसेस है बहुत छोटे हैं। पर अगर हमारे पास बड़ा पिक्चर हो ही नहीं तो हमारे डिफरेंसेस बहुत बड़े देखेंगे हमको, क्योंकि तो सामने कुछ है ही नहीं बड़ा, सामने सब कुछ है ही नहीं, कुछ एम ही नहीं है। गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या है, हम क्यों गृहस्थ बने, हम क्यों शादी की, शादी करने का मतलब है 1+1=11 का मतलब है कि भाई बहुत बड़ा सेवा करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमको गृहस्थ आश्रम में, तो एक बड़ा पिक्चर हमको ड्रॉ करना है सामने। और अगर एक बड़ा पिक्चर हो गया ड्रॉ सामने और हमारा कॉन्स्टेंट फोकस वो पिक्चर के सामने है, तो हमारे बीच में जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई आज ब्रेड खाएंगे, तो ये वाइफ बोलेंगे आज पूरी खाएंगे, आज ब्रेड नहीं पूरी खाएंगे, तो उसमें विवाद हो गया, उसमें बड़े बड़े झगड़े भी हो सकते हैं। अरे भाई ये छोटा प्रॉब्लम है, एक बहुत बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है, तो कभी कभी प्रॉब्लम्स होती है, विवाद होती है, पर वो विवाद इट इज नॉट वर्थ इट बिकॉज हमारे पास एक बड़ा बड़ा पिक्चर है। हा? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कई बार हम क्या करते हैं कि भी डिफरेंसेस जो होता है उसको कैसे हम सॉर्ट आउट करें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लाफ इट आउट। हाँ, कई बार जो भी कोई कोई डिफरेंसेस होते हैं तो हम कई बार अभी अभी कई बार 10-15 साल के बाद हमको पता है कि भाई वाइफ यही पॉइंट पे चिढ़ेगी, ट्रिगर बटन है, और हस्बैंड ये पॉइंट पे चिढ़ेगा, अगर ये पॉइंट कहा तो ये जरूर उसका ये पॉइंट है, दबा दिया वो चिढ़ने वाला है, बराबर है। तो ये हमको फिर कई बार हंसी आती है, क्योंकि मैं बोलूंगा ये ट्रिगर होने वाली है। तो ये गृहस्थ आश्रम में प्रभु जी और माता जी
हास्य बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप कॉमेडी बन जाओ कि आप जोकर बन जाओ, बट आपके बीच में हास्य भाव बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीज सीरियसली मत लो, तो लो उसको हंस के उसको भूल जाओ, आगे चलो। अरे छोड़ो यार आप अभी, ठीक है यार, हाँ थोड़ी जोक क्रैक करके आगे बढ़ो। तो फर्स्ट डिफरेंस कैन बी लाफ्ड आउट, फर्स्ट वे टू डील विद इट। दूसरा पॉइंट है टू कोप विद इट, कि भी कोई डिफरेंसेस है उसको सहन करना, भी ये डिफरेंस है, ये व्यक्ति तो अभी फॉर द नेक्स्ट 20-25 साल के लिए यही ऐसा ही खाने वाला है, ऐसा ही ब्रश करने वाला है, ऐसा ही बात करने वाला है, तो ऐसा ही खराटे लेने वाला है। अभी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देखते हैं कि भाई ये कंपेटिबिलिटी है। मैरिज के पहले बहुत सब चेक करते हैं कि भाई ये दिखता अच्छा है, जॉब अच्छी है, पर क्या आप चेक करते हैं कि ये खराटे खाता है सोते वक्त? नहीं चेक करते। और फर्स्ट नाइट कोई चालू हो जाता है, बोले अरे बाप रे ये तो चेक ही नहीं किया था मैंने, अभी क्या करूं, अभी खराटे बंद तो नहीं होने वाला, ऐसा नहीं कोई मशीन घुसा के उसको साइलेंसर लगा दे। हाँ तो क्या करेंगे, उसको कोप करना पड़ेगा। हाँ उसको ऐसा खराटे, तो एक एग्जांपल है, एक लेडी आई बोले कि मैंने सब चेक किया था पर मुझे एक चीज चेक करने का पता नहीं चला, पर ये जो व्यक्ति है ना ऐसा बहुत अजीब तरह से ब्रश करता है अपने दांत को, इतना गुस्सा आता है मुझे। बोला अभी क्या करेंगे, आप बाथरूम में मत जाओ अंदर, अब क्या करेंगे, वो चेंज तो नहीं करने वाला है। तो ऐसे टिपिकल, इसको इंग्लिश में कहते हैं इडियोसिंक्रेसीज, सभी के पास एक टिपिकल इडियोसिंक्रेसीज होती है कि भी वो उसी तरह वो व्यवहार करेगा, तो ये उसको कोप करना है। तीसरे पॉइंट है कि कोई डिफरेंसेस है उसको नेगोशिएट करे। हाँ तो वाइफ में डिफरेंसेस है, हस्बैंड डिफरेंस है, बोले कि देखो भी आप जो करते हो मुझे जमता नहीं है, और मैं जो करता हूँ आपको जमता नहीं है, तो नेगोशिएट करो, 50% पे आ जाओ, ये देखो मैं 50% ट्राई करूंगा इंप्रूव करने का, आप 50% इंप्रूव करो। तो मैरिज में नेगोशिएशन का भी जरूर है, मैरिज इज अ रिलेशनशिप, उसमें नेगोशिएशन भी जरूरी है। कभी कभी उसको एक्सेप्ट करो, कभी कभी उसको कॉम्प्लीमेंट्री बनोते हैं, चलो हस्बैंड अब बहुत बार, अभी मैंने तो थोड़ा सुधर गया हूं मैं, पर शादी के बाद 10-15 साल किशोरी बताएगी, मैं स्नान करके आता हूँ मेरा टॉवल हमेशा बेड पे रखता था, अभी मेरे को कह के थक गई, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे इतनी कहती थी कि भाई रखो रखो, तो एक बार क्या किया उसको खुद ही रखने लगी, फिर बोलना बंद कर दिया उसने, बोले उसे बोल के मतलब नहीं उसको। फिर मेरे को लगा कि अरे बाप रे इतना मैं मूर्ख हूँ क्या, इतना मैं ढीठ हूँ क्या कि भाई मैं खुद के टॉवल नहीं रखूँ, तो मैं सुधर गया। तो क्या उसमें समटाइम्स यू कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री, अगर हस्बैंड नहीं सुन रहा है, अगर वाइफ नहीं सुन रही है, तो आप करिए, आप करेंगे तो मे बी वो समझ जाएगा। और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, समटाइम्स वेटिंग एंड प्रेइंग इज द आंसर। हाँ हमारे पास भक्तों के पास है कि भाई कुछ भी नहीं चल रहा है तो जाओ भगवान के पास, राधा गोविंद जी, राधा श्याम सुंदर, राधा गोपी, भगवान डेस्परेटली प्रार्थना करोगे, भगवान मुझे ये डिफरेंसेस सहन करने की शक्ति दो। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है कि भाई अगर हम मैरिज में हमारा फोकस है डिफरेंसेस पे, तो हम क्लोजनेस कभी नहीं ला पाएंगे। अगर हमारा फोकस ये है कि भाई ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो अगर हमारा फोकस है क्लोजनेस पे, तो डिफरेंस कैन बी मैनेजेबल। आप समझिए, अभी मैं वापस एक बार रिपीट करूंगा, इफ द फोकस इन मैरिज का फोकस अगर डिफरेंसेस ही है कि भाई मैं पत्नी ये अलग है, मैं ये अलग हूँ, पत्नी भी ऐसे करती है, मैं ऐसा करता हूँ, ये ऐसे करती है, ऐसा करता हूँ, तो फोकस क्या है, केवल डिफरेंसेस पे ही है, तो देन क्लोजनेस विल नेवर कम, वो धीरे धीरे चला जाएगा, क्लोजनेस आएगा ही नहीं हस्बैंड वाइफ के बीच में क्लोजनेस। पर अगर फोकस है कि भाई मुझे कैसे एक दूसरे के साथ क्लोज रहना है, देन डिफरेंसेस कैन इजीली बी मैनेजेबल, और मैनेजेबल हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसे बताते हैं कि अगर हम एनालाइज करेंगे तो हस्बैंड वाइफ के जो दोनों बातचीत करते हैं ना, उसको तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है कि हमारी बातचीत जो है कैजुअल होती है, कि आज सब्जी लेके जाना है, कि आप कितने बजे घर आएंगे, कि मुझे बच्चों को आज स्कूल में पीटीए मीटिंग है, तो ये सब क्या हो गया कैजुअल टॉक, जो आदान प्रदान की बात, ट्रांजेक्शन। दूसरी जो है वो हमारा जो बातचीत का कम्युनिकेशन हम बात करते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट का होता है, झगड़े, वाद विवाद, कुछ भी हो गया तो वाद विवाद हो गया। और तीसरा जो है वो है फ्रेंडशिप टॉक, एक हो गया कैजुअल टॉक, एक हो गया कॉन्फ्लिक्ट टॉक, और तीसरा हो गया फ्रेंडशिप टॉक। तो कैजुअल टॉक आप सबको समझ में आ गया कि कैजुअल टॉक हम रूटीन की जो बातें करनी, और वो उसमें यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होता, हम बता देते हैं और कम्युनिकेशन हो जाता है, लेकिन वो भी जब बोले
तब हमें बहुत ही पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली बताना चाहिए। रिस्पेक्ट जो है ना, मान देना एक दूसरे को, ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नियां ही पति को मान दे, लेकिन पति भी जरूरी है कि अपनी पति को रिस्पेक्ट दे। तो कैजुअल बात में भी पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली बताना चाहिए। दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट, कि जब एक दूसरे के साथ विवाद होता है, आपको पता है कि उन्हें ही अच्छा नहीं लगने वाला। कई बार मुझे पता है बहुत पति पत्नी को रात को सोने को प्रॉब्लम क्या होता है, पत्नी बोलती है पंखा फास्ट रखो, पति बोलते हैं कि पंखा कम चाहिए। तो ऐसे छोटी छोटी बात में अलग विवाद हो सकता है। तो जब ये इंडिफरेंसेस होते हैं, तब उसका सॉल्यूशन कब हो सकता है, कि जब हम एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्टफुली बात करेंगे और ट्रस्ट, जब कॉन्फ्लिक्ट भी होता है तो इस प्रकार से बात करें कि हम दोनों का जो विश्वास है एक दूसरे में वो बढ़े, कम नहीं हो जाए। और तीसरा जो है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है फ्रेंडशिप टॉक। जो पति और पत्नी एक दूसरे के साथ मित्र के रूप में व्यवहार करे, हाँ, और इसमें क्या होता है, इससे दोनों के प्रति जो इंटीमेसी है, हाँ, क्लोजनेस है, वो बढ़ती है, उनका जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग होता है। और ये कैसे होता है, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जैसे मैंने बताया हमारे घर में मेरे सास ससुर जी ने रूल बनाया था कि हर रात को सोने के पहले हर एक कपल, या तो हम दोनों, चार छोटा घर था, चारों साथ में रहते थे, तो वो लोग दोनों झूले पे बैठ के आधा घंटा बात करते थे, हम लोग नीचे वॉक के लिए जाते थे और शेयर करते थे कि आज पूरे दिन में मैंने क्या किया, पूरे दिन में आपने क्या किया। तो शेयरिंग, दैट इज फ्रेंडशिप टॉक। कई कई बार हम क्या कर रहे हैं साथ में, क्यों हम साथ में हैं, किस वजह से हम दोनों साथ में हैं। तो भक्त जो है, पति पत्नी क्यों साथ में है, कि दोनों भक्त हैं, तो उसके साथ में जो बात कर सकते हैं, उसका मतलब कि पति पत्नी डिस्कस कर सकती कि आज मैंने ये लेक्चर सुना, मैंने आज ये प्रभु जी का संग लिया, मंदिर में गया था, ये ब्रह्मचर्य ने ये बताया। या तो फिर पत्नी बोलेगी कि आज मैंने ये लेक्चर सुना, या तो मैंने ये पढ़ा, उसमें से मुझे बहुत इंस्पायर लगा। तो ये क्या हो गया, फ्रेंडशिप टॉक, शेयरिंग, डिस्कसिंग एंड केयरफुली। और जब ये हम करते हैं तो इसकी वजह से हम ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। तो मेरा एक सजेशन है कि हमारे जीवन में हर एक कपल को ये सोचना चाहिए कि ये तीनों जो टाइप के टॉक है ना, कैजुअल टॉक, कॉन्फ्लिक्ट टॉक और फ्रेंडशिप टॉक, मित्रता भरा व्यवहार की बातें जो है, झगड़े की बातें हैं और कैजुअल बातें हैं, ये तीनों का आपको एक लिस्ट बनाना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि आप सबसे ज्यादा समय किधर दे रहे हैं। अगर आपका सबसे ज्यादा समय कॉन्फ्लिक्ट टॉक में जा रहा है, उसका मतलब आपका मैरिज में प्रॉब्लम है। लेकिन आपको उसके लिए बैलेंस करने के लिए आपका फ्रेंडशिप टॉक जो समय है वो बढ़ाना चाहिए। जब यंग कपल होते हैं तो उनको वो चाहते हैं एक दूसरे के साथ बात करने के लिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उत्सुक होते हैं। फिर बच्चे आ जाते हैं तो थोड़ा टाइम उसमें चला जाता है। लेकिन वापस जब बच्चे टीनेजर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो याद रखिए पति पत्नी को वापस वो फ्रेंडशिप टाइम चाहिए। एस्पेशली पत्नी को, जब वो मेनोपॉज से गुजर रही है, उसे पति की बहुत जरूरत होती है। उसे हृदय में लगता है कि अभी मुझे किसी की जरूरत, किसी को मेरी जरूरत नहीं है। जब तक मैं उनको सब कुछ दे रही थी तब तक मेरी जरूरत है, अभी मुझे, मेरा शरीर काम नहीं करता है तो उनको जरूरत नहीं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। उस समय भी फ्रेंडशिप टॉक की बहुत जरूरत होती है। तो ये तीन टाइप की जो टॉक है वो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। और जैसे मैंने कॉन्फ्लिक्ट टॉक बताया, तो हमेशा एक आइडेंटिफाई कीजिए, एक प्रश्न लिखिए आप सब, कि ऐसी तीन घटनाएं आपके जीवन में जो हमेशा रेगुलरली कॉन्फ्लिक्ट बता रही है। अगर आप देखेंगे आपके जीवन में जो विवाद होता है ना, उसकी एक पैटर्न होती है, हाँ, एक कांस्टेंट पैटर्न होती है। तो ऐसी क्या घटना है जो उस विवाद को उत्पन्न करती है या तो ट्रिगर करती है। कभी कभी बार हम देखते हैं कि एक कपल आते थे तो सास ससुर के साथ में रहते थे, तो वो लोग सास ससुर जो थे वो भक्त नहीं थे, तो जब भी पति पत्नी किसी प्रोग्राम के लिए बाहर जाते थे तो तुरंत ही पत्नी चालू कर देती थी उनके सास के बारे में अपने पति को बताने के लिए, और पति क्या करता था, कुछ जवाब नहीं देता था। तो उसे लगता था कि जैसे ही हम घर से बाहर निकले ये चालू कर देती है मेरी माँ के बारे में बुरा बताने के लिए। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि पत्नी के पास उसी समय है कि जब वो समझ में आ सके। कभी कभी घर में प्रोग्राम होता है, आप देखिए घर में प्रोग्राम है और भक्त लोग आने वाले हैं, उस समय बहुत वाद विवाद हो सकता है, हाँ, क्योंकि सब लोग प्रेशर में है, टाइम का प्रेशर है, काम का प्रेशर है, सब प्रसाद बनाना है, सब घर को ठीक रखना है, कभी भी प्रोग्राम प्रॉब्लम हो सकता है।
तो आइडेंटिफाई कीजिए कि ऐसी कौन सी घटनाएं हैं कि जब आपका जो कॉन्फ्लिक्ट टॉक है वो बढ़ जाता है। दूसरा कि आप लिखिए कि तीन चीज आप क्या करेंगे जब भी आपके हृदय में निगेटिव टॉक जो है, निगेटिव इमोशन आ जाते हैं, कभी बहुत गुस्सा आता है, कभी घृणा हो जाती है, कभी इतना ऐसा लगता है क्या क्या बोल दूं, उस समय उस इमोशन को कंट्रोल करने के लिए आप क्या तीन चीज करते हैं। हाँ, एक चीज जैसे मतलब डीप ब्रीदिंग कीजिए। हाँ, उस समय तुरंत बोलने की वजह से कभी कभी हमारे मुंह से जो निकलता है एक्चुअली हमारे हृदय में वो हम उसे ऐसा नहीं सोचते हैं लेकिन वो निकल जाता है, इंटेंशन नहीं है लेकिन इतनी निगेटिविटी बढ़ गई है तो निकल जाता है। और क्या निकलता है, हमको पता है कि हमारे पति या पत्नी को सबसे ज्यादा क्या दुखी करने वाला है, वो ही शब्द सबसे पहले निकलते हैं, या तो उनकी कमियां दिखाते हैं, आप तो ऐसे ही हैं। और हम कैसे बोलते हैं उसे, ऑलवेज और नेवर, आप हमेशा ऐसा करते हैं, आप कभी ऐसे नहीं करते। ऐसे प्रकार से हम जो बात करने का तरीका है उसमें बहुत धिक्कार होता है। तो वो निगेटिव इमोशन को आप कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, या तो आप उस समय बोलेंगे कीप क्वाइट, दूसरे रूम में जाके ठंडा ग्लास पानी पी लीजिए, या तो डीप ब्रीदिंग कीजिए, या तो फिर रूम में जाकर अपने आप को बंद करके शांत हो जाइए और बोलिए उसके बाद में मैं जवाब दूंगा। बहुत जरूरी है क्योंकि निगेटिव इमोशन जब बाहर आते हैं ना तब वो पति पत्नी को सबसे ज्यादा हर्ट करते हैं। ऐसे बताते हैं कि डिवोर्स कोर्ट जो होते हैं, सारे अलग अलग कोर्ट में से डिवोर्स कोर्ट सबसे खराब होते हैं, क्योंकि दो पति पत्नी जो एकदम एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं और जब वो डिवोर्स लेना चाहते हैं तभी उस समय वो अपनी सबसे जो खराब से खराब चीजें वो पब्लिक में बोलने लगते हैं। हाँ, तो ये कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, निगेटिव इमोशन का कंट्रोल होना। और तीसरा है कि थिंक हाउ डू यू एंड योर पार्टनर टॉक मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे मैंने आपको बताया ना, वो फ्रेंडशिप टॉक, कॉन्फ्लिक्ट टॉक और कैजुअल टॉक, कि आप तीनों में से मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सी बातें करते हैं। और अगर आपके ध्यान में आ रहा है कि अरे हम तो फ्रेंडशिप की बात ही नहीं करते हैं, कभी शेयर ही नहीं करते दिन में क्या किया है तो क्या सुना, तो मेरा रिक्वेस्ट है, हाँ ये सेमिनार तो आप अटेंड करेंगे, ऐसे बहुत सारे लेक्चर भी सुनेंगे, लेकिन एटलीस्ट दिन में अगर 5 घंटा लेक्चर सुन रहे हैं, 4 घंटा जपा कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 1 घंटा एक दूसरे के साथ में बिताइए और एक दूसरे के साथ बताइए कि आपने क्या सुना क्या किया, क्योंकि ये जो चीज है वो आपके जीवन में बहुत लंबा चलने वाला है। हाँ, क्योंकि कोई लिख रहा है संन्यास कब लेंगे, कलयुग में संन्यास इजी नहीं है। संन्यास तो कब लेंगे वो अलग बात है, आपको देंगे, आपको देगा कौन लेने की बात अलग है, देगा कौन। तो एनीवे, तो ये कई बार हम बहुत अच्छा बताया आपने। और दूसरी भी एक बात है मैरिज में, हम बहुत टाइम राइट थिंग एट द रॉन्ग टाइम करते हैं। एक तो दो चीज होती है, टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, जो सही चीज है उसको सही टाइम पे करना, टू डू द राइट थिंग एट द रॉन्ग टाइम एंड टू डू द रॉन्ग थिंग एट द रॉन्ग टाइम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल हम हमारे जो सेंसिटिविटी बात है, स्पीच की जो बात है, जो राइट थिंग द राइट टाइम की बात है, बहुत जरूरी है मैरिड लाइफ में। ये हमारे एग्जाम्पल हमने खुद हमारे माताश्री और पिताश्री के बिहेवियर में देखा। मेरे पिताजी एक बड़ी कंपनी में बड़े मैनेजर थे और बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे थे वो। तो उसमें उस वक्त की बात करूँ जहाँ फोन्स बोन्स थे नहीं, घर पे भी फोन नहीं थे, मैं अर्ली 80s, तो वो घर पे फोन नहीं, तो कई बार डैडी लेट आते थे और वो बता नहीं पाते थे कि भाई इतना लेट क्यों है, तो मदर बहुत ही गुस्सा हो जाती थी कि अभी क्यों नहीं आया अभी तक। और उनको और हर प्रकार के नेगेटिव थॉट्स ही आते थे, अगर कोई व्यक्ति घर पे लेट आता है तो नेगेटिव थॉट्स ही आते, कुछ हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ ये हो गया वो हो गया, तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाती थी। और मेरे साथ में रहता था, मुझे लगा अरे डैडी का तो आज हालत खराब हो जाएगा, आएंगे तो मम्मी तो उसको उनको बहुत ही डांटने वाली है। तो फिर 8 बज गए 9 बज गए 10 बजे हम बाहर खड़े रहते थे बालकनी में, मम्मी ऊपर नीचे करते थे बालकनी में, फिर बालकनी में सभी रिक्शा आ जाती थी, हम रुकते थे कि रिक्शा रुकेगी नहीं रुकेगी, और फिर रिक्शा में एक रिक्शा रुकी और पिताजी आए ऊपर, पिताजी तुरंत ऊपर देखते थे, वो पता था कि भाई पत्नी बाहर रुक के देखने वाली है, तो पता था कि ये बहुत गुस्सा होने वाली है। मुझे भी लग रहा था कि मम्मी अभी बहुत ही गुस्सा हो जाएगी पिताजी पे, अभी तो आज घर पे महाभारत हो जाएगा। तो मेरे पिताजी बेल मारते थे, मेरी माता तुरंत ही उनका पूरा मूड चेंज हो जाता था और तुरंत ही मेरे पिताजी के हाथ से बैग लेते थे, बोले कि आप कैसे हो,
आप बहुत थके होंगे ना, आप आइए जल्दी, आप स्नान करिए, आपके लिए खाना रेडी है। तो मैं सोच रहा था कि ये क्या हो गया, इतना गुस्सा था 5 मिनट पहले और पिताजी ऊपर आए तो ये तुरंत क्यों चेंज हो गया। और फिर माता जी उनको प्रसाद खिलाती थी, अच्छे अच्छे तरह से वो सेटल हो गए थे। फिर रात को सोने के पहले मेरी माता पूछती थी, क्यों आज क्यों लेट हो गया, क्यों आपने बताया नहीं। हाँ, तो ये पूछती थी जरूर, बट राइट टाइम पे। कई बार हम क्या करते हैं, आने के बाद दरवाजे के बाहर ही है खड़े, उधर ही फायरिंग चालू। हाँ, जो भी कंप्लेंट है पूरे दिन की, पूरे वो व्यक्ति घर पे भी नहीं आया है, उसके पहले ही चालू जाती है AK-47 AK-108 जो भी आप बोले आप पूरा फायरिंग शुरू। वो व्यक्ति थका हुआ आया है, आपको पता है कि भाई वो व्यक्ति बहुत काम करने के बजाय है। तो डू द राइट थिंग। आप पत्नी को अपनी व्यथा कहने की पूरा अधिकार है, उसमें कोई गलत नहीं है, वो राइट थिंग है। पर कई बार हम राइट थिंग करते हैं रॉन्ग टाइम पे। तो उसके लिए ये प्रॉपर विवेक बुद्धि होनी जरूरी है। हमने कल बात की थी विवेक बुद्धि की, साधना के हिसाब से हम विवेक बुद्धि आती है हमारे में। तो हम गृहस्थ आश्रम में बहुत जरूरी है, चांटिंग तो करते हैं पर सुबह नहीं करते, रात को करते, दैट मीन्स द राइट थिंग एट द रॉन्ग टाइम। तो बिहेवियर में हो या रिलेशनशिप में हो, कई बार हम देखते भी है कि रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में हम बहुत बिजी है, जॉब में बहुत बिजी है, करियर में, तो हम अपने रिलेशनशिप को उतना ध्यान नहीं रखते हैं। हाँ, तो हमारे एक टिपिकल मैनेजमेंट लैंग्वेज में कहते हैं कि दो प्रकार के काम होते हैं, एक तो इम्पोर्टेंट काम होता है और एक तो अर्जेंट काम होता है, इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। तो जो हम हमारा लाइफ पूरा इम्पोर्टेंट चीज में करते लगते हैं, सॉरी अर्जेंट चीज में करते, ये जो अर्जेंट है वही करते हैं, करते करते इम्पोर्टेंट चीज को हम निग्लेक्ट करते, क्योंकि अर्जेंट चीज इतनी है, और इम्पोर्टेंट चीज को अगर हम नहीं करेंगे धीरे धीरे वो इम्पोर्टेंट चीज अर्जेंट बन जाती है कि नहीं। अब अगर बिल भरना इम्पोर्टेंट है, फोन का बिल 10 दिन बाकी है वो इम्पोर्टेंट है, पर उसी दिन ड्यू डेट के दिन तक बिल पे नहीं किया तो इम्पोर्टेंट चीज क्या हो जाता है, अर्जेंट हो जाता है। हाँ, तो अर्जेंट हो जाता है, उसको तुरंत ही एड्रेस करना पड़ेगा। तो मैंने बहुत बार देखा है, प्रभु जी आप सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमने मैरिज रिलेशन इंपॉर्टेंट है, पर वो धीरे धीरे इंपॉर्टेंट चीज जो चीज है वो अर्जेंट बन जाती है। और जब भी अर्जेंट बन जाती है कभी कभी लगता है, अरे मैंने तो कुछ टाइम स्पेंड ही नहीं किया बच्चों के साथ, मैंने तो कुछ टाइम स्पेंड ही नहीं किया बीबी के साथ, अभी मुझे टाइम स्पेंड करना है, पर वो अभी अर्जेंट बन गया। और बहुत बार हम देखते हैं ये चीज, आप समझिए, जो चीज अर्जेंट हो जाती है उसके बाद हमको टाइम स्पेंड करते, मेनी टाइम्स इट इज वेरी वेरी लेट, इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज इट। कई बार अर्जेंट और इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो अगर उसको हम निग्लेक्ट करते जाएंगे तो वो धीरे धीरे अर्जेंट बन जाती है। मैरिज रिलेशनशिप वैसा ही है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके साथ रिलेशनशिप के साथ काम करना इम्पोर्टेंट है, पर हम बहुत बार हमें करियर के लिए या पैसे कमाने के लिए या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने के जो भी कारण हो, हम वो मैरिज को इग्नोर करते हैं। और फिर ऐसा टाइम आता है कि अपने बीबी के साथ, अपने पति के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, और उसका हमको रिएक्शन मिलता है, बच्चों हमारे साथ हम आपको रिस्पेक्ट नहीं रखते हमारे लिए, पत्नी को हमारे साथ रहने की कोई इंटरेस्ट नहीं है, और फिर हमको लगता है अरे भाई मुझे कुछ करना पड़ेगा। बट आप समझिए कि जो अर्जेंट चीज होने के बाद हम उसको टाइम देते हैं, देन मेनी टाइम्स इट इज वेरी लेट। जिस तरह हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई डिजीज हो गया तो डिजीज एडवांस स्टेज पे होगी, उसके टाइम उसके बाद हम टाइम स्पेंड करेंगे तो लेट हो जाएगा, डिजीज को कुछ कर नहीं पाते हम उसके साथ। कैंसर को अगर आप स्टेज 3 में पकड़ेंगे तो लेट हो गया, फायदा नहीं। हाँ, तो उसी तरह रिलेशनशिप में अगर कैंसर आ गया, रिलेशनशिप को टाइम नहीं दिया तो वो अर्जेंट हो जाएगा, वो कैंसरस हो जाएगा। उसको जो भेद पैदा होता है वो भेद को हम वापिस सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू गिव टाइम एवरी डे टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, उसी वक्त करना है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड अभी करना है, ऐसा नहीं कि बड़े हो जाएंगे फिर लगेगा नहीं टाइम स्पेंड किया, फिर उनको आपकी आवश्यकता नहीं है, फिर आपको वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ग्रैंड पेरेंट्स, अगर आप दादा दादी बन गए तो भी अभी आपको समय देना चाहिए आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को, क्योंकि उनको याद रहेगा। वो हमेशा जो ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रैंड पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो बहुत स्पेशल होता है। और इसे बताते हैं जो टॉप मोस्ट पीपल है वर्ल्ड के, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे सक्सेसफुल, उन सबके दादा दादी बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर भी बनते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप उनके साथ समय व्यस्त कीजिए। तो हम यहाँ डिस्कशन कर रहे थे कि इनसेंसिटिव होना, कई बार
और ये जो इनसेंसिटिविटी है वो हमारे स्पीच में जब हम कम्युनिकेशन करते हैं उसमें आती है। कई बार हम देखते हैं कि हम निगेटिवली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं रिलेशनशिप में, तो कैसे करते हैं, कभी कभी हम ऐसे बात करते हैं जैसे हमने पत्नी का मन पढ़ लिया। हम ऐसे बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है आप ये सोच रहे हो कि मैं कहाँ घूम के आया, मैंने ये किया, आप तो ये सोच रहे हो कि आप बहुत खुश हो कि मैं लेट आया। तो जब ऐसे बात करते हैं तो पत्नी को बहुत बुरा लगता है, या तो पत्नी बात ऐसे करती है पति के साथ जैसे कि उनका माइंड पढ़ लिया और इस प्रकार से बात करती है कि हाँ मुझे तो पता है आप तो मेरी कुछ मदद करना चाहते ही नहीं है, जबकि पति के मन में ऐसा कुछ विचार नहीं होता। हाँ, लेकिन वो ऐसे बात करती है, मुझे पता है आप ऐसे ही चाहते हैं कि आप मेरी मदद नहीं करेंगे और आप तो चाहते ही नहीं कि मेरे जीवन में मैं कुछ अच्छा कर सकूं। ऐसा नहीं होता है। कई कई बार हम नेगेटिवली जब सोचते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में हमेशा खराब ही सोच रहा है, तो ये नेगेटिव वे एक्सप्रेशन हो गया। दूसरा नेगेटिव एक्सप्रेशन है कैरेक्टर असैसिनेशन। कई कई बार हम एक लेबल लगा देते हैं, हाँ आप तो हमेशा ऐसे आलसी हैं, तुम तो हमेशा ऐसे, तुमको कुछ आता ही नहीं, तुम्हारे माने तुमको कुछ सिखाया ही नहीं, छोटे छोटे चीज, हाँ बुद्धू हो तुम। ऐसे जब लेबल लगाते हैं ना पति पत्नी के रिलेशनशिप में तो बहुत इनसेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। आप सोचिए कि अगर हम हमारे बच्चे को भी बोलते ना तो बुद्धू है, हाँ कुछ कर नहीं सकता, निठल्ला है, तुझे कुछ आता ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। कि जो माँ बोलती है ना कभी कभी वो शब्दों वही सच हो जाता है। हाँ, तो हमेशा अच्छे शब्द ही बोलने चाहिए पति और पत्नी के बारे में और बच्चों के बारे में, निगेटिवली एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। तीसरा कभी कभी हम करते हैं एक्सप्रेशन ब्लेमिंग, हम ब्लेम आरोप देते रहते हैं, आप हमेशा ऐसे ही करेंगे, आपको पता है कि मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है लेकिन आप कभी आएंगे ही नहीं, जब मैं बीमार होती हूँ तभी आपको हमेशा ऐसा कुछ और ही काम होता है। या तो फिर पति बोलेगा कि हाँ जब मेरे माँ बाप को जरूरत होती है तब तुम्हें कोई ना कोई बहाना ही निकालना होता है, तुम हमेशा से ऐसी हो। जब ऐसे आरोप लगाते हैं तो ये निगेटिव एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। इसके लिए हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। उसके बदले क्या करना चाहिए, जब हमें वही चीज बतानी है तो पॉजिटिवली एक्सप्रेस करना चाहिए। तो पॉजिटिव एक्सप्रेस सेंसिटिवली करने के लिए तीन चीजें याद रखनी चाहिए। सबसे पहले कि जो भी कहना है वो हमें रिस्पेक्टफुली बताना है, सामने वाले का सम्मान को ध्यान में रख के करना चाहिए। जैसे कि अगर किसी पति को अपनी पत्नी को कुछ बताना है, वो ऐसे ही अगर निगेटिवली बताएगा तो अच्छा नहीं लगता है। तो उसे सोचना चाहिए कि अगर मेरे बॉस के साथ मुझे कुछ बात करनी है, अगर बॉस की गलती उसको दिखानी है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, अगर मेरे मित्र के साथ मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मैं कैसे बात करूंगा, तो क्यों ना मेरी पत्नी के साथ भी मैं उसी अच्छी तरह से रिस्पेक्टफुली बात करूं। कई बार देखते हैं कि पति या पत्नी बाकी सबके साथ अच्छी तरह से बात करते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ सम्मान मान पूर्वक व्यवहार नहीं करते हैं। उसका एक रीजन हो सकता है कि वी टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड, क्योंकि साथ में रह रहे हैं, ये तो कहाँ जाने वाली है, कहाँ जाने वाला है, तो हम एक दूसरे को ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति को सम्मान अच्छा लगता है, हर एक व्यक्ति को अप्रिशिएशन अच्छा लगता है। अगर आप वही चीज मान पूर्वक सम्मान पूर्वक बताएंगे तो वो चीज बहुत अच्छी लगती है। मुझे याद है मेरे एक चाचा ससुर थे, तो बहुत एल्डरली थे और हमारे घर में किसी का डेथ हो गया था तो सब साथ में रह रहे थे, तो 12 बजे उनको शायद ऐसा जरूरी था कि उनको प्रसाद मिलना ही चाहिए और मेरे 12 बजे तक मेरा प्रसाद नहीं हुआ था। वो किचन में आके मुझे हंसते हंसते बोलने लगे, किशोरी तुमको बताएं जब 12 बजता है ना तो मेरे पेट में घंटी बजने लगती है, हाँ और वो घंटी बजती है ना तो मुझे कुछ पेट में डालना ही पड़ता है। तो सोचिए, हाँ वो मेरे बहुत बुजुर्ग थे, चाचा ससुर थे, बोल सकते थे अभी तक प्रसाद तैयार नहीं हुआ क्या, समझ में नहीं आता है 12 बजे, लेकिन सेम चीज जो उन्होंने बताई वो इतने प्रेम से बताई कि उसके बाद मैं समझ गए कि 12 बजे में 5 मिनट पहले इनको प्रसाद हाथ में दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्रेस किया। दूसरी है कि जो भी आप एक्सप्रेस करें उसके लिए बहुत स्पेसिफिक रहें। कई कई बार हमें एक चीज बतानी है लेकिन उसको ऐसा गोल गोल घुमा घुमा के बताते हैं कि सामने वाले को समझ में आता ही नहीं और हम सोचते हैं क्यों समझ में नहीं आ रहा है। अरे आपने दिमाग में सोचा है, उसने आपकी तरह नहीं सोचा है तो उसके दिमाग में कैसे आएगा। तो इसीलिए बी वेरी स्पेसिफिक जो भी बताना है। और जैसे कि कई बार हम देखते हैं, सपोज पत्नी, अगर पति घर में आते हैं, आकर जब वो हमने झाड़ू पोछा सब अच्छी तरह से हो गया है और उनके शूज लेकर अगर वो
अंदर तक आ जाते हैं तो हम इरिटेट हो जाते हैं ना, तो अगर उसे कैसे बोले, अरे आप वापस शूज अंदर लेके आ गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बदले अगर हम ऐसे बोलेंगे कि जब भी ये शूज, गंदे शूज घर में आते हैं, देन यू डू एक्स इन वाई सिचुएशन। जब आप गंदे शूज घर में लेकर आते हैं जबकि अभी घर साफ किया है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो आपने क्या किया, आपने आरोप उन पे नहीं डाला, आपने खुद पे ले लिया। आप बहुत स्पेसिफिक थे कि मुझे बुरा कब लगता है कि जब घर साफ है और सामने से कोई उसको गंदा चीज लेकर आ गया। तो क्या बोला है मैंने कि जब एक्स सिचुएशन, एक्स चीज हुई वाई सिचुएशन में, तब मुझे जेड फीलिंग हुई। हाँ, आप ये लिख सकते हैं। और इस प्रकार से जब भी आप आपकी बात बताएंगे तो देखिए उसका प्रभाव सामने वाले पे बहुत ही पॉजिटिव पड़ेगा, क्योंकि आप उसे डायरेक्टली कोस नहीं रहे हैं, आप आपकी जरूरत बता रहे हैं, आप आपको क्या सिचुएशन अच्छी नहीं लगती वो बताते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का ये तीन चीज है ना जो बहुत जरूरी है, एक तो रिस्पेक्टफुली बात करना, दूसरा स्पेसिफिक बोलना कि आपको क्या जरूरत है, और तीसरा उसके साथ हमारी क्या फीलिंग है उसे भी एक्सप्रेस करना। तो अगर ये हम करेंगे तो कम्युनिकेशन, एक्चुअली गृहस्थ आश्रम का जो वर्कशॉप है, सेमिनार है, वो घंटों घंटों तक ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी चीज हम ऐसे बताना चाहते हैं कि जिससे आप प्रैक्टिकली आप अच्छी तरह से उसको जीवन में उतार सके। और कई बार आपको लगा होगा कि भाई इतनी सारी चीज करनी है मैरिड लाइफ में, बापरे, अप्रिशिएट करना है, कोऑपरेट करना है, सेंसिटिव बनना है, रिस्पेक्ट करना है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। बहुत लोग को लगता रहेगा कि भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये कहां सेमिनार अटेंड कर दिया है, तो सभी दिमाग में सब नॉलेज भी चले गया, उसको निकाल भी नहीं पाएंगे। पर एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है अगर हम कॉन्शियस है ना। देखो, कोई भी रिलेशनशिप वैसे ही नहीं होती है। हाँ, तो आप समझिए, हम क्यों ये मटेरियल वर्ल्ड में है। संबंध, संबंध आदि देव मूर्ति, राधा मदन मोहन को कहते हैं संबंध आदि देव मूर्ति। हमको पहले भगवान के साथ संबंध एस्टैब्लिश करना है। तो सचिनंद महाराज ने बहुत बढ़िया बताया कि हम भगवान के साथ संबंध एस्टैब्लिश करना चाहेंगे तो भगवान एक झाड़, जो अगर वृक्ष है, वृक्ष के जो मूल है वो भगवान है ना, कि अगर हमने मूल में पानी डाल दिया तो और किधर पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। राइट, हमने देखा है, हमने समझा भी है कि केवल वाटर द रूट द होल ट्री इज नरिश्ड। सिमिलरली इफ यू प्लीज कृष्णा द एवरीबडी इज नरिश्ड। पर अगर आप देखेंगे तो क्या हम एक्चुअली रूट्स में पानी डालते हैं? क्या हम खोद के रूट्स दिखते हैं उसमें पानी डालते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते हम। हम केवल सॉइल में पानी डालते हैं, जो जमीन है उसमें पानी डालते हैं, और जमीन के थ्रू, जमीन के द्वारा वो मूल में जाता है पानी। बराबर है। उसी तरह सचिनंद स्वामी बहुत बढ़िया तरह से बताते हैं कि अगर हमको भगवान के साथ संबंध एस्टैब्लिश करना है, अगर भगवान मूल है, तो हमको भक्तों के सॉइल के थ्रू जाना पड़ेगा। हम भगवान को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर पाते, हम रूट्स को अप्रोच नहीं कर पाते, हम रूट्स को जमीन के थ्रू, सॉइल के थ्रू अप्रोच करते हैं। तो उसी तरह अगर हमको भगवान के साथ संबंध एस्टैब्लिश करना, हमारा ये जीवन का ये एम है, हमारा ये पर्पस है, तो अगर हमको एस्टैब्लिश करना है तो हमको भक्तों के थ्रू जाना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे खुद के जीवन में, हमारी पति पत्नी और हमारे फैमिली, अगर उनके साथ अच्छे संबंध ना करें हम, तो मेरे हिसाब से तो भक्तों के साथ संबंध और भगवान के साथ संबंध तो बहुत दूर की बात है। बिकॉज इफ यू कैन एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विथ समबडी हुम यू स्टे सो क्लोजली विथ ईच अदर, हाउ कैन यू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विथ समबडी हु इज नॉट सीन लाइक गॉड। तो ये चीज मेरे हिसाब से धीरे धीरे उसको समझना है, उसका इंपॉर्टेंस समझना है, क्योंकि ये डिरेक्ट भक्ति का लक्षण ही है। आप ऐसा मत सोचिए कि गृहस्थ और डिवोटी दो अलग चीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने की बात है। बहुत बार हम क्या समझते हैं, मैं अच्छा डिवोटी हूं, मैं भी अच्छा गृहस्थ नहीं हूं। अगर आप अच्छे गृहस्थ नहीं हो तो आप अच्छे डिवोटी बनने का केवल ढोंगी कर रहे हो, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। वो गुड गृहस्थ मींस अ गुड डिवोटी एंड गुड डिवोटी मींस अ गुड गृहस्थ, यू हैव टू बी बोथ टुगेदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को इसको ट्रेनिंग दे, इसका इंपॉर्टेंस समझे, और अपने मैरिड लाइफ में अच्छी तरह से जिए, और अच्छे, एक तो अपने लिए अच्छा एग्जांपल, आप अपने लिए मैरिड लाइफ के लिए अच्छा मानसिक शांति तक रखे, और अच्छा एग्जांपल हम दूसरों को बताएं। आप समझिए बाहर के लोग क्या सोचते रहेंगे कि अगर इस्कॉन में ही इतने मैरिज में प्रॉब्लम्स है तो इस्कॉन में जाके मतलब क्या है, क्या हम अच्छा प्रचार करते हैं? नहीं करते प्रचार। हमारे सोसाइटी में भी उतना ही परसेंटेज डिवोर्स से ज़्यादा ही है, बल्कि कम नहीं।
हाँ तो ये हमारा ये फेलियर है। हाँ इसीलिए प्लीज हमको ये समझना है कि मैरिड लाइफ को सीरियसली लेना है, मैरिड रिलेशन को सीरियसली लेना है, और क्रिश्चियन कॉन्शियस व्यू पॉइंट के साथ साथ थोड़े प्रैक्टिकल स्टेप्स से अगर कॉन्शियस रहेंगे आप, तो गारंटी बीइंग क्रिश्चियन कॉन्शियस एंड सम प्रैक्टिकल स्टेप्स गारंटी आपका गृहस्थ आश्रम विल बी सक्सेसफुल। और अगर आप फेलियर भी होंगे तो वापस उठ के आप उसको रिपेयर कर पाएंगे, तो यू कैन गेट अप एंड अगेन रिपेयर इट। तो ये मैरिड लाइफ है, ये गृहस्थ आश्रम है। बहुत ही 2 घंटे में हम कैसे बताएं जो चीज 7 दिन के सेमिनार में भी पूरी नहीं होती है, तो 2 घंटे में तो पॉसिबल ही नहीं है। पर इसको संक्षिप्त में जो आउटलाइन है उसको हमने कवर की है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज भी है। एक एक जो 2 प्रश्न जो है, एक प्रश्न है कि हस्बैंड जो है वो वाइफ को कभी भी मेंटली पीसफुल नहीं रहने देते, हमेशा दूसरों के सामने इंसल्ट करते हैं, स्पेशली सास ससुर के सामने, और वो लोग भी दोनों साथ में, सास ससुर भी उनको रोज हैरान करते हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट निकाल के बड़ा इश्यू बना देते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और इस प्रकार से हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। कभी भी मैं पत्नी बता रही कि मैंने कभी उनको स्टॉप नहीं किया, ये नहीं किया, ऑलवेज सपोर्ट किया, और उनको कभी गिल्ट फील होता ही नहीं है। बाहर से हमेशा उनका एटीट्यूड ऐसा रहता है कि बहुत केयरिंग इमेज है, लेकिन वो बहुत मैनिपुलेट कर रहे हैं। कितना भी सेमिनार अटेंड करे, कितना भी ये अटेंड करे, वो हमेशा लड़कियों के लिए होते हैं। तो इस बहुत लंबा ये प्रश्न है, तो उसमें बताते हैं कि लड़की को किस प्रकार से इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। जिसने भी ये प्रश्न लिखा है, मैं बताना चाहूंगी कि जब कोई व्यक्ति हमें मेंटली हैरेस करता है, पूरी फैमिली हैरेस करती है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें नम्र बनना चाहिए, डरपोक नहीं बनना चाहिए। क्योंकि स्त्री जो है उसमें बहुत शक्ति है। अगर कोई, और ये चीज तो मैं हमेशा बताना चाहूंगी कि शास्त्र भी बताते हैं कि अगर जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकती, सुख संपत्ति कभी नहीं रहती, समृद्धि कभी नहीं रहती। तो अगर आप वो पत्नी है वो सुन रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि पत्नी अगर आपके घर में खुश नहीं है तो लक्ष्मी आपके घर में कभी नहीं आएगी। और उस स्त्री के लिए बताना चाहूंगी कि कुछ भी हो जाए, हमारा मानसिक संतुलन हमें कभी भी नहीं खोना चाहिए। एक चीज कि हमें याद रखना चाहिए कि मैं एक जीव सोल हूँ, कृष्ण का पार्षद हूँ, और कृष्ण ने मुझ में बहुत सारी शक्ति दी है, तो जितना हम सहन कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, करना चाहिए, लेकिन जब जरूरत पड़े तो दूसरे किसी की मदद भी लेनी चाहिए, और जब जरूरत पड़े तो कभी सामने बोलना भी चाहिए। ऐसे बताते हैं द्रौपदी जो है वो बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन वो दूसरों के सामने कभी कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन जब अकेले में अपने पति को, पतियों को एक्चुअली बराबर समझाती थी जो जरूरत था वो। तो इसीलिए हमें हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए, जरूरत पड़े तो पति को भी बोलना चाहिए, जरूरत पड़े अगर आपको बहुत प्रेशर दे रहे हैं तो सास ससुर को भी आप बता सकते हैं। क्योंकि आप जानिए भारत देश का रूल, भारत देश में अगर आप पुलिस के पास जाएंगे तो जो भी लॉ है वो स्त्री के लिए ज्यादा अच्छा है, लेकिन आप फोर्स मत कीजिए किसी स्त्री को कि वो पुलिस तक जाए। तो इसीलिए जरूरी है कि हमें जितना हो सके अपने अच्छे व्यवहार से, संबंध से, किसी सीनियर भक्त की मदद लेकर बात करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, और उसके बाद भी अगर वो नहीं समझते हैं तो एक समझना चाहिए कि नहीं, मुझे मेरी लड़ाई खुद लड़नी ही पड़ेगी, मुझे इनसे डायरेक्टली कॉन्फ्रंटेशन करके बात करनी पड़ेगी। और वो भी समझ लीजिए, अगर आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उसका रिएक्शन आपको मिलने ही वाला है, तो ये बहुत जरूरी है। एक प्रश्न है कि मेरे प्रभु जी भक्ति में नहीं है, लेकिन वो उन्होंने मुझे स्वीकार किया है कि मैं भक्ति करूँ, मेरे से प्रसाद भी खाते हैं, मेरी दीक्षा भी हो गई। तो इस प्रकार के जो पति हैं जो मेरी कृष्ण कॉन्शियस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो क्या करना चाहिए? अपने व्यवहार से, मैं बताऊंगी, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है हमारे मंदिर में भी कि व्यवहार से आप प्रसाद खिलाएंगे, आपका अच्छा व्यवहार है, धीरे 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 जो है उनका स्वभाव बदलता है। और सबसे बड़ी चीज है प्रार्थना, उनके लिए स्पेशल प्रार्थना कीजिए। अगर उनका व्यवहार आपके प्रति अच्छा है तो भगवान, क्योंकि वो किसी भक्त के साथ अच्छा कर रहे हैं, उनको अच्छा ही
रिएक्शन रिजल्ट देंगे थोड़े टाइम में। आपको एक चीज समझनी है कि फैक्ट दैट आपको ये जो भी आप कर रहे हो उसको अलाउ कर रहे हैं, आपकी दीक्षा को अलाउ किया, वो एक बहुत बड़ा स्टेप है। हाँ, तो ये अप्रिशिएट करिए। और ये उनका एक्चुअली 50% ऑफ उनका एक्सेप्टेंस ऑलरेडी है उनका। अगर अगर ये अलाउ नहीं करते तो आप नहीं कर पाते। और उनका ये अलाउ प्रेम से किया, तो मेरे हिसाब से कई बार हम बहुत जल्दी कोई चीज़ चेंज होना की इच्छा रखते हैं कि जल्दी जल्दी फटाफट सब चेंज हो, ऐसा नहीं होता है हमेशा। हाँ, कि आप उनको आप समझिए कि उनको भी टाइम लगने वाला है, तो आप अप्रिशिएट करिए कि आपको जो भी फैसिलिटी दे रहे हो वो आप उसमें आनंद लीजिए और धीरे धीरे वो भी चेंज होएगा, गारंटी। आपने देखा है बहुत साल अपने व्यवहार से, किशोरी ने बताया उस हिसाब से, अपने व्यवहार से वो धीरे धीरे चेंज होएंगे ही, उसमें कोई बिकॉज अल्टीमेटली ये सोल का नेचर है भगवान के चरणों में आना, और हमको उनके लिए एक अच्छा फैसिलिटी बनाना है। तो अगर आप अच्छी फैसिलिटी बनाएंगे आपके व्यवहार के द्वारा, वो जरूर आकर्षण होंगे भगवान भक्ति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जो क्वेश्चन था कि सोसाइटी में स्त्री जो है ओपन अप नहीं हो सकती और पुरुष उसका एडवांटेज लेते हैं, और अल्टीमेटली स्त्री को वो विक्टिम बन के वो सहन करना ही पड़ता है, और कभी कभी हैरेसमेंट बहुत बढ़ जाता है और वो हेल्पलेस हो जाते हैं। तो मैं आपको एक्चुअली बताना चाहूंगी कि मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे लेडीज आए हैं, मुझे कभी फोन करते थे कि वो डिवोटी बन गए, कभी कभी पति डिवोटी नहीं भी है, या तो कभी कभी पति डिवोटी है और मुझे फोन करते माता जी आज तो मैं घर से निकल ही जाने वाली हूँ, मुझे रहना ही नहीं है। फिर मैं उनके साथ बात करती थी कि देखो बच्चे हैं, बच्चों का क्या होगा, अलग अलग चीज से हम डिस्कशन करते थे। कई बार ऐसा होता है कि जब पति से वो प्रेम नहीं मिलता है ना, तभी एक कृष्ण कॉन्शियस फ्रेंड होना बहुत जरूरी है, जिनके साथ आप आपका दुख जो है वो बांट सकते हैं। और जब उनके साथ आप वो दुख बांटते हैं तो वो आपको शक्ति देते हैं, क्योंकि हमेशा सिचुएशन बदली नहीं कर सकते। कई बार मैंने ऐसे भी स्त्रियां देखी हैं, उनके माँ बाप के घर में भी कुछ फैसिलिटी नहीं है, अगर घर छोड़ के चले जाएंगे पति का तो कहाँ जाएंगे, हम बच्चे हैं तो कहाँ जाएंगे, तो रहना ही पड़ता है। और कभी कभी बच्चे जो है वो पिताजी से बहुत अटैच होते हैं तो क्या करेंगे। और मैंने देखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब स्त्री सहन करती है 5 साल 10 साल, मेरे आंख के सामने भी 3 केसेस सामने आ रहे हैं कि जब पति पत्नी 55 साल के हो गए, प्रॉब्लम चालू था 30 साल से, 55 साल के हो गए ना, अभी दोनों को एक दूसरे के बगैर चलता नहीं है, क्योंकि पति को अपनी भूल समझ में आई है। तो ऐसा नहीं है मैं बोलूंगी कि सब सहन कर लो, कभी सहन नहीं भी होता है, लेकिन ऐसे भी इंसिडेंसेस हैं कि जब सहन करते हैं तो थोड़े समय के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है। सास ससुर की वजह से भी कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो भी हमेशा जीवित नहीं रहते हैं, बहुत सिचुएशन चेंज होती है। मैंने देखा है मेरे आंखों के सामने ऐसी सिचुएशन चेंज हो जाती है कि उस भक्ति जो भक्ति करने वाले जो डिवोटी है पत्नी है, उसके बगैर घर में किसी को चलता ही नहीं है। दूसरा मेरा एक ये एक्चुअली मैं कभी कभी सोचती हूँ कि प्रभुपाद लिखते हैं भागवतम में कि जो मैरिज है ना, जिसके साथ हमारा विवाह हुआ है, शादी विवाह होने वाला है, वो एक्चुअली प्रभुपाद भागवतम में लिखते हैं वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार होता है। तो शायद अभी मेरे लिए बोलने के लिए मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि हमारे कुछ कर्म ऐसे हैं जिसकी वजह से अभी हमें ये सिचुएशन मिली है। तो अगर इस सिचुएशन को भी अगर हम छोड़ के निकल जाएंगे तो वो कर्म का रिएक्शन तो मिलने ही वाला है। और मैंने वो भी देखा है कई बार स्त्री एक विवाह छोड़ देती है, दूसरे के साथ विवाह करती है, उसमें भी प्रॉब्लम आती है, दूसरे के साथ तीसरे के साथ विवाह उसमें भी प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि वो हमारा कुछ तो कर्म है। तो इसलिए मैं ऐसे स्त्रियों को बताती हूँ कि जितना हो सके आप भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के यहाँ पे जो पीड़ित स्त्रियां थी उनको भी छुड़ाया था, उनसे बड़ा सेवियर कोई नहीं। जब हम उनकी शरण लेते हैं, उनके हरि नाम की शरण लेते हैं और पूर्ण हृदय से कि भगवान आप ही मेरे, जैसे द्रौपदी ने किया, द्रौपदी के 5 पति सामने खड़े थे, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन भगवान कर पाए। हाँ, तो इसीलिए मैं बता सकती हूँ कि हृदय से आपको उनका ध्यान रखना चाहिए और उनका आश्रय लेना चाहिए। जब हम उनका आश्रय लेना सीखेंगे तो शायद भगवान हमें उस सिचुएशन में से क्या सीखना है, हाँ, वो लेसन सिखा देंगे। अगर हम वो लेसन सीख गए तो सिचुएशन बदल जाएगी।